हेलो एवरीवन, आई एम सारा शर्मा. आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एज एसपी विजिलेंस संबलपुर. आई एम एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द 2010 बैच पोस्टेड इन ओडिशा काडर. आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय डिफरेंट पोस्टिंग्स एज एन आईपीएस ऑफिसर. इनिशियली व्हेन आई जॉइंड आई वाज अ प्रोबेशनर इन बलांगीर डिस्ट्रिक्ट. आई वाज इन चार्ज ऑफ द सदर थाना. सो आई हैड नो नॉलेज अबाउट व्हाट आई वाज सपोज टू डू इन द पुलिस स्टेशन. इट वाज माय फर्स्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. There was no IIC to train me, but what I did initially was that I listened to the problems of and grievance of the people, and that made a lot of difference. You know, many people used to come to the police station after I joined. तो पहले लोग बोलते थे कि इतने लोग तो आते नहीं थे, तो अभी कैसे आ रहे हैं. तो काफ़ी उनकी जो numbers वो काफ़ी बढ़ गई, and that was because probably not that I could solve all their grievances or I could detect all the cases, but because I gave them a patient hearing, so that mattered, and that is what I learned also. कि आप अगर सुनेंगे तो maybe people tend to repeat, you know, जब कोई दिक्कत में होता है तभी वो थाने या पुलिस या हॉस्पिटल जाता है. तो जब थाने आते हैं, पुलिस के पास आते हैं, तो उनमें उनकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. तो आई वॉज लिसनिंग टू देम एंड दैट प्रॉब्ली सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स और whatever, I mean, just have a human heart and listen to them. So that was my initial posting. उसके जस्ट बाद में I was in Rourkela. Rourkela में वहाँ पर we were given operational training. We were made operational commanders. So हमें नक्सल एरिया में जाना पड़ता था, वहाँ पर घूमना पड़ता था, and we used to, our work was just collecting intelligence and, you know, kind of attacking the Naxals. तो वो हमने training करी. I was attached to the anti-Naxal cell of the SP office. तो वहाँ पे आई गॉट सम आइडिया अबाउट दिस, एंड वी ऑल्सो हैड एन एनकाउंटर वेयर आई गॉट सम रिवार्ड फ्रॉम द स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स. इसके बाद आई वॉज पोस्टेड एज SDPO. SDPO में आई वॉज पोस्टेड इन ए प्लेस वेयर देयर वर लॉट ऑफ क्राइम्स टेकिंग प्लेस. तो वहाँ पे आए दिन क्राइम्स होते थे, एंड वहाँ पे बॉम्बिंग्स एंड मर्डर्स वेर लाइक वेरी वेरी फ्रीक्वेंट. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्राइम प्रोन एरियाज ऑफ द स्टेट. आस्का डिस्ट्रिक्ट था, एंड VIP ड्यूटीज वेयर ऑलमोस्ट एवरी वीक ट्वाइस और थ्राइस. कभी नहीं होता था, एक बार होता था, बट इट दोज वे वेरी रेयर ओकेजन्स. एंड यूजली दो तीन बार हमें VIP ड्यूटीज करनी पड़ती थी. तो VIP ड्यूटीज के बाद दैट प्लेस आस्का. उसके बाद आई वॉज प्रोमोटेड टू एडिशनल SP. मैं आई गॉट पोस्टेड इन अनदर प्लेस वेयर देर वॉज लॉट ऑफ NDPS केसेस, लॉट ऑफ गांजा एवरीवेयर, कैनबिस कल्टिवेशन. तो वहाँ पे माई मेन जॉब वॉज टू गो एंड यू नो काइंड नैप द कल्प्रिट्स, और पकड़ना था इधर इंटरसेप्टिंग देम ऑन द रोड्स और गोइंग टू द फील्ड्स एंड यू नो काइंड ऑफ बर्निंग इट डाउन, डिस्ट्रॉइंग इट, और गोइंग टू द हाउसेज एंड कलेक्टिंग इट फ्रॉम द हाउसेज. सो एक बार आई रिमेंबर आई हैड 5 ट्रक्स फुल ऑफ गांजा जो हमने घर से कलेक्ट किया था. दैट वॉज इन वन विलेज हुज एंटायर लाइवलीहुड वॉज कमिंग फ्रॉम गांजा कल्टिवेशन. तो वहाँ पे हमने जाके पकड़ा, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट एज एडिशनल SP. सोनपुर में आई हैड अ मर्डर केस जस्ट 7 डेज ऑन, एंड आई वॉज देयर पोस्टेड एज SP. एंड वहाँ पे पोस्टिंग होते ही देर वॉज अ हीनस मर्डर विच सेंट रिपल्स अक्रॉस द स्टेट. And उसके बाद I had to detect it in 48 hours, and we successfully did it. उसमें we caught one chairperson also, उसको जेल में डाल दिया, and then I was posted again to Devgarh district. Devgarh was supposed to be a very Naxal remote district, जहाँ पे population density काफ़ी कम थी, and area wise unlike in other districts, and it had a lot of greenery and lot of tribals over there. सो लोग काफ़ी कम थे, क्राइम्स काफ़ी कम था, बट नक्सल्स वेर एक्टिव इन दैट एरिया. सो वी हैड टू रेगुलरली गो आउट फॉर आर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स एंड गो आउट फॉर पेट्रोलिंग. तो हम लोग काफ़ी जंगल जाया करते थे. आई हैव सीन प्लेसेस विच आर एज सीरीन प्लेसेस वेयर ओनली नक्सल्स यूज टू रोम एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड नेवर रीच्ड. तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट SPs आई कैन बोस्ट एंड आई कैन प्राउडली से टू हैव गॉन इन साइड टू इंटीरियर्स वेयर None of the administration people had ever reached. उन्होंने देखा नहीं था कि there are government policies, there are government schemes to help them, and they never knew about it. तो काफ़ी वो जाके that was another experience. ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे there was no motorable roads. We used to walk down for kilometers. सुबह जाते थे, शाम को आते थे, carrying guns, carrying clothes, and my team has done it all.
तो नेक्स्ट पोस्टिंग वाज इन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज द प्रिंसिपल और वहाँ पे हमने आई टॉट अराउंड 436 यंग सब इंस्पेक्टर्स हु आर डूइंग देयर ट्रेनिंग एंड हु आर नाउ पोस्टेड एवरीवेयर इन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा. देन आई वाज पोस्टेड इन एज एसपी बीपी एसपीए द बीजू पटनायक स्टेट पुलिस अकेडमी जहाँ पे वी टॉट अनदर 300 ऑड वीमेन पुलिस सब इंस्पेक्टर्स or they also passed out and they are now spread across the state of Odisha. Later I was posted to Gajapati where there were a lot of community policing initiatives that I took. Jab maine dekha ki logon ke cases ke alawa bhi problems ho sakti hain. Suppose a victim of domestic violence aa rahi hai mere paas, to uske baad uske paas wo to husband se pratadit hai, parivar se pratadit hai, at the same time she also had nothing to eat. तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक लेडी आई, दो दिन पहले बोलती थी कि मेरे पति को जेल में डालो, उसने मुझे हरास किया है. एंड देन शी कम्स आफ्टर टू डेज एंड टेल्स मी दैट आप उसको निकालिए. आई टोल्ड व्हाई आर यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सो फ्रीक्वेंटली. एंड देन शी टोल्ड कि मैडम खाने के लिए नहीं है, बच्चे दो हैं, लेट हिम गो फॉर बाइगेमी, लेट हिम कीप अनदर वाइफ, आई एम ओके विथ इट, बट मेरे बच्चों को खाना चाहिए. तो वी ट्राई टू एम्पावर दीज वेमेन थ्रू आर स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो हमने शुरू किए, एंड वी टॉट देम, वी मेड देम सेल्फ रिलायंट. मैंने बोला अब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि यू डोंट हैव टू यू नो चेंज योर स्टेटमेंट्स एंड यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी. तो वो हमने एक इनिशिएटिव लिया एंड लॉट ऑफ अदर इनिशिएटिव्स वेयर वी वेंट बियॉन्ड द केस, वी वेंट बियॉन्ड द पर्सन टू हेल्प हिम और हर आउट. तो काफ़ी हमने इनिशिएटिव्स लिए. नाउ आई हैव जॉइंड इन विजिलेंस वेयर यहाँ पे काफ़ी वी आर जो मुहिम हमने शुरू करी है अगेंस्ट करप्शन, तो दैट्स गोइंग ऑन. तो वी फाइट करप्शन और यहाँ पे काफ़ी सारा हमने अच्छे मतलब करप्ट ऑफिसर्स को हमने पकड़ा है, दोज हु आर इंडल्जिंग एंड दोज हु आर यू नो काइंड ऑफ स्प्रेडिंग करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस. तो दिस हैज़ बीन माई जर्नी एंड इट हैज़ बीन अ वेराइटी, lot of diversity and lot of various types of work in all places. These were all my postings that I talked about and I hope you liked it and you enjoyed it. Thank you so much.